और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो चुकी हैं। वहां वो रेप पीड़ित बच्चियों के परिवार से मुलाकात करने वाली हैं। आपको बता दें, प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साह में हैं। लखनऊ के लिए प्रियंका गांधी का काफिला इस वक्त रवाना हो चुका है, लखनऊ से रवाना हो चुका है लखीमपुर खीरी की तरफ। आपको बता दें, यूपी चुनाव से पहले प्रियंका लगातार योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भर रही हैं और इस वक्त की बड़ी खबर ये कि वो लखीमपुर के लिए इस वक्त रवाना हो चुकी है। 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी, और आज लखनऊ से लखीमपुर खीरी के लिए प्रियंका गांधी रवाना हो चुकी हैं। वहां वो रेप पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने वाली है। देखिए, यूपी के लिहाज से आज का दिन खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 को साधने की कोशिश कर रही है, जब यूपी में चुनाव होने हैं। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी के जरिए यूपी चुनाव को साधने की कोशिश में लखनऊ से प्रियंका गांधी इस वक्त निकल चुकी हैं लखीमपुर खीरी के लिए, जहां रेप पीड़ित परिवार से उनकी मुलाकात होनी है। लगातार सियासी हंगामा यूपी में भी तेज। साड़ी खींचने वाली घटना, इस वक्त की बड़ी खबर आप देखिए। और देखिए, ये तस्वीरें उस वक्त की है जब प्रियंका गांधी घर से निकली है लखीमपुर तरफ। रेप पीड़ित बच्चों के परिवार से मुलाकात होगी प्रियंका गांधी की आज। लखनऊ से प्रियंका गांधी का काफिला रवाना इस वक्त हो चुका है। तस्वीरों में आप देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब प्रियंका गांधी लखनऊ से लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना हुई है। इस काफिले के साथ रवानगी प्रियंका गांधी की। हमारे साथ ताजा जानकारी लिए रणवीर इस वक्त जुड़ रहे हैं। रणवीर, क्या कहा जाए, 2022 को पूरी तरीके से साधने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी? देखिए, बिल्कुल, 2017 में जो प्रदर्शन था कांग्रेस का, वो सिर्फ और सिर्फ 7 सीटें जीती थी, और लोकसभा चुनाव में तो और बुरा हाल हुआ जब राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। ऐसे में कांग्रेस की खोई हुई जमीन पाने के लिए विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं, और जो कार्यक्रम था उसमें सिर्फ बैठकें थी। 3 दिन तक संगठन की बैठक करना था, लेकिन पहले दिन प्रियंका गांधी पहुंचकर लखनऊ के हजरतगंज में जीपीओ पर धरने प्रदर्शन पर बैठी, और आज वो लखीमपुर निकली हैं। लखीमपुर में वो परसवां गाँव जाएंगी जहाँ पंचायत चुनाव में एक महिला के साथ साड़ी खींचने की घटना हुई थी, उस महिला से मिलेंगे। आपको बताएं कि वो जो महिला है वो समाजवादी पार्टी की प्रस्तावक थी, लेकिन प्रियंका गांधी चाहती हैं कि कानून व्यवस्था और कोरोना, इन दो चीज़ों को मुद्दा बनाकर वो लोगों के बीच जाएं, और इसी वजह से समाजवादी की पार्टी के प्रस्तावक जो अनीता यादव थी, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, वो अखिलेश यादव से मिलने भी लखनऊ आई थी। आज प्रियंका उनके घर जा रही हैं, उनसे मुलाकात करेंगी, और साथ ही जो कांग्रेस के तमाम यहाँ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो भी प्रियंका के साथ लखीमपुर निकले हैं। तो ये दौरा वैसे तो बैठकों के लिए था, संगठन को मजबूत करने के लिए था, चुनावी रणनीति बनाने के लिए था, लेकिन फिलहाल जो प्रियंका गांधी हैं वो बिल्कुल आंदोलन के मूड में हैं, और वो वाली राजनीति कर रही हैं कि धरना प्रदर्शन करके जनता के बीच अपनी छवि बनाए कि कांग्रेस ही लड़ाई लड़ सकती है। ऐसे में 7 सीटों के बाद अभी फिलहाल कांग्रेस के करीब 5 ही विधायक बचे हैं, आदित्य सिंह बागी हो गई, और लोकसभा में भी स्थिति खराब थी। ऐसे में एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश के तहत प्रियंका गांधी यहाँ पहुंची हैं। हम भी उनके साथ चलेंगे लखीमपुर और देखेंगे कि किस स्ट्रेटजी के साथ वो लोगों से मिलती हैं, संपर्क करती हैं, क्या उनकी रणनीति होती है, क्योंकि जो ऑफिशियली उनकी इटिनरी आई थी उसके मुताबिक प्रियंका सिर्फ और सिर्फ बैठ के करने वाली थी। जी ठीक है रणवीर, आप लगातार हमारे साथ रहेगा, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण ये यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव है, एक तरीके से जान फूंकने की कोशिश है कार्यकर्ताओं को आगे की रणनीति क्या होगी वो बताने के लिए, आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में और फिलहाल वो लखीमपुर खीरी की तरफ बढ़ रही हैं। और देखिए, यूपी के लखीमपुर में पंचायत चुनाव के दौरान एक महिला के साथ बदसलूकी की तस्वीरें भी सामने आई थी। प्रियंका गांधी ने इस मुद्दे पर भी यूपी सरकार को निशाने पर लिया था। आज वो लखीमपुर में पीड़ित महिला से मुलाकात भी करेंगी। प्रियंका के दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू से बात की हमारे संवाददाता रणवीर ने। बात करने के लिए मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू साहब हैं। लल्लू साहब, प्रियंका जी आज लखीमपुर जा रही हैं, क्या उनका कार्यक्रम रहने वाला है, कहां कहां जाएंगी, किससे मिलेंगी? देखिए, जिस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज बना हुआ है, आम आदमी सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लूट हत्या डकैती और बलात्कार इस प्रदेश की पहचान बन गई है, अपहरण उद्योग बन गया है। आज इस जंगल राज के खिलाफ आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कल मौन व्रत भी रखा था, और निश्चित तौर से जिस महिला के साथ अभद्रता हुई, साड़ी खींची गई, दुर्व्यवहार किया गया, पर्चे छीन लिए गए, फाड़ दिए गए, बम चले, गोली चली, उन तमाम लोगों से मिलेंगी जिनके साथ अभद्रता हुई, जिनके साथ इस तरह के कृत्य हुए। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनसे मिलकर पूरे वाक्या को जानेंगी, और निश्चित तौर से
आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में इस सरकार जंगल राज वाली सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प। सिर्फ पसगवां जाने का प्लान है या महेवागंज भी जाना है, जहां तीन लड़कियों के साथ रेप की घटना? मैं समझता हूं कि आदरणीय महासचिव प्रियंका गांधी जी हमारी नेता है और उत्तर प्रदेश उनका घर है। आप बार बार ये कहते हैं दौरे पर आई हैं, दौरे पर वो लोग आते हैं जो लोग कभी कभी आते हो, तो रोज उत्तर प्रदेश में है, गांव में है, खेत में, खलियान में, लोगों के दिलों में, हम सब के मन में है, विश्वास में, उत्तर प्रदेश की भावनाओं में है। और इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे इस बार। बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। तब अजय सिंह लल्लू साहब को सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, कोरोना का जो मुद्दा है, तमाम मुद्दों को लेकर के प्रियंका गांधी लोगों के बीच जाने का काम करेंगी। और आज पसगवां जहां पर एक पंचायत चुनाव के दौरान महिला के साथ साड़ी खींचने की घटना हुई थी, उस महिला से मिलेंगी। और उसके अलावा संभव है कि वो महेवागंज भी जाएं जहां पे तीन लड़कियों के साथ रेप की घटना पिछले महीने हुई थी। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़ लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।